हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम है आकाश। दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया जिन्होंने कि बहुत बार अमेज़न में असेसमेंट टेस्ट दिया, इंटरव्यूज दिए, लेकिन वो रिजेक्ट होते रहे। लेकिन फाइनली उनका अमेज़न में दो पोजीशंस पे सिलेक्शन हो गया, ड्रोन एसोसिएट के लिए भी और ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, इन दो प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो गाइस सभी प्रोफाइल्स में कॉमन तो है ही असेसमेंट भी देना, इंटरव्यू भी देना। तो गाइस आज हम उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि जो असेसमेंट टेस्ट है, वर्सेंट है, इसको कैसे उन्होंने क्लियर किया, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे, कैसे करेक्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव शुभदीप पिदस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेज़न का इंटरव्यू क्रैक किया है, ट्रोन एसोसिएट भी और ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभदीप, मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ इस चैनल पे एंड बहुत थैंक यू भी करता हूँ, बिकॉज आप अपना स्पेशल टाइम देने हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, क्योंकि अमेज़न के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं, स्पेसिफिकली जो असेसमेंट टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता काफ़ी लोगों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल शुभदीप। थैंक यू आकाश फॉर कॉलिंग मी इन दिस वीडियो। फाइन। सो शुभदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए कि लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह। वैसे मैं कोलकाता से हूँ और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, फ्रेशर हूँ अभी तो फिलहाल। मैं पहले तो गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करता था, उसके बाद ये लॉकडाउन ये सब होने लगा तो फिर वो तो पॉज हो गया, तो इसी के लिए मैंने अमेजोन में बहुत दिन से ट्राई करता था, काफ़ी बार मीन्स रिजेक्ट भी हुआ हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम आता था वही असेसमेंट में, उसमें मैं बहुत बार नहीं हुआ, फिर बहुत कोशिश करने के बाद हो गया। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये आपने मतलब जैसे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आते हैं कि शुरुआत में रिजेक्ट होते हैं तो वो हार मान लेते हैं, ये सबको आएगी ये प्रॉब्लम। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने दो प्रोफाइल्स के लिए आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए, ट्रोन के लिए भी आपने करेक्ट कर दिया और ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर के लिए भी कर दिया, तो एक्चुअली में दोनों प्रोफाइलों में काम क्या करना होता है शुभदीप अपने को यहाँ पे? हाँ, ट्रोन पे तो एक रोबोटिक्स कुछ होता है, वो मुझे बताया था वो इंटरव्यू ने, थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था उसके बारे में। ठीक है, बस वही कि आपको कुछ वीडियोस देखना पड़ेगा, एरर्स रहेगा वो डिटेक्ट करना पड़ेगा लाइव। मुझे इंटरव्यूअर ने मुझे बताया था कि आप क्या कंफर्टेबल हो 25,000 वीडियोस पर डे देखने के लिए। ओके, नहीं 25,000 नहीं 2500 सॉरी। ठीक है, हाँ 25,000 वीडियोस 100 वीडियोस आपको एवरीडे देखना पड़ेगा, आप क्या कंफर्टेबल हो उसके लिए। मैंने ऑब्वियसली मैंने बोला था हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स माय वर्क सो आई हैव टू डू इट। इंटरव्यू बोला ओके, फिर बस बेसिक सा कुछ क्वेश्चन हुआ था राउंड्स में, बस एक ही राउंड इंटरव्यू हुआ था बाकी। हाँ मतलब ये जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें जो है शुभदीप शायद दो ही राउंड होते हैं, पहला तो असेसमेंट टेस्ट होगा, दूसरा शायद एक वीडियो राउंड होता है ना, आई गेस इंटरव्यू होता है बस और कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, मतलब बस असेसमेंट क्रैक कर दिया, उसके बाद सिर्फ एक वीडियो इंटरव्यू का राउंड है अपना, वीडियो इंटरव्यू होता है जो शाइन में होता है। राइट राइट राइट। सो क्योंकि जैसे शुभदीप आपने दो दो मतलब प्रोफाइल्स के लिए आपने करेक्ट किया इंटरव्यू, तो आपने मतलब असेसमेंट टेस्ट भी आपने दिया भी काफी बार है और अब आपके लगातार दो बार इसको करेक्ट हो गया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाहता हूँ शुभदीप कि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ कि असेसमेंट टेस्ट एक्चुअली में क्या है, कितनी स्टेजेस हैं इसकी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको करेक्ट कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि आपके पास अब काफी एक्सपीरियंस है इसका, जैसे आपने बताया आप काफी बार रिजेक्ट हुए, फिर अब आप दो प्रोफाइल्स पे सिलेक्ट भी हो गए, तो एक्चुअली में है क्या इसका पूरा सिनेरियो असेसमेंट टेस्ट का? देखिए ये जितना भी प्रोफाइल है उसके सबका अलग अलग असेसमेंट होता है, किसी में वर्सेंट होता है वॉइस, किसी में वॉइस नहीं होता है, किसी में दोनों होता है, जैसे एसपीएस में आपका दोनों होता है। ठीक है, हाँ मैं ट्रॉन का दिया था, उसमें मेरा सिर्फ रिटर्न हुआ था, वॉइस नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ पहले तो होता है एक बेसिक इंग्लिश जो सब में मैंडेटरी है, वो सब में होता है बेसिक इंग्लिश, वो हो जाने के बाद आप अगर क्वालिफाइड करते हो तो आपको दूसरे राउंड में भेजा जाता है, वो अगर ट्रॉन के लिए है तो वॉइस असेसमेंट नहीं होता है, सीधा आपका रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद अगर वो आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो आपको वॉटसन ग्लेशियर बोल के एक टेस्ट होता है। ठीक है, वो लास्ट होता है, तीन ही है इस पर, तो फिर वो हो जाने के बाद आपका कोई मेल नहीं आता है, अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको कोई मेल नहीं आता है, आपको मीन्स वो लोग के बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वो लोग कब आपको मेल भेजते हैं इंटरव्यू के लिए, वो हो जाने के बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए मेल आता है। तो इसमें जो है शुभदीप मतलब क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें एक्चुअली में? देखिए इंग्लिश तो बहुत बेसिक सा होता है आपका, 10-12 लेवल का इंग्लिश होता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मीन्स प्रॉब्लम आता है आपको वो वर्सेंट में,
सेट में सबसे पहला ज़रूरी है कि आप सुन सके उसको अच्छे से, और उसको सुनने के लिए आपको अच्छा सा बढ़िया हेडफोन चाहिए जब ऐसे आप सुन पाए उसको अच्छे से, क्योंकि वो जो बोलता है ना वो थोड़ा फॉरेन एक्सेंट में रहता है, यूएस एक्सेंट में बात वो लोग बात करते हैं, और वो कभी एक लड़की बात करती है बोलती है आपको, कभी एक लड़के की आवाज़ में आता है, मेल फीमेल मिक्स रहता है वॉइस। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो किसका वॉइस आएगा, कभी रफ़ रहता है वो आवाज़ कभी अच्छा रहता है, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, वही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और उसके लिए आपको एक अच्छा एयरफोन ज़रूरी है। ठीक है, हाँ तो आप उसके बाद आपका वर्सेंट हो जाने के बाद एक जंबल वर्ड्स टाइप का कुछ आता है, जैसे आपको कुछ सेंटेंस मिक्स करके देना पड़ बोलेगा वो लोग, तो आपको वो अच्छे से आपको सजा कर वो उसको बोलना पड़ता है, वो 8 या फिर 10 ऐसे रहता है वो क्वेश्चंस। ओके, वो हाँ ये सब क्वेश्चन रहता है, बेसिक सा रहता है, आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस, क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूब में, अगर आप लोग आप देख कर जाओगे ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें कोई ऐसा स्टेप भी होता है कि शुभदीप, कोई ईमेल राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग वाला भी कोई पार्ट होता है? वो भी होता है वो लास्ट में वो भी आता है, वो रिटन वर्जन के लास्ट में वो भी आता है। ठीक है, ईमेल लिखना पड़ता है, एक ईमेल देता है वो आपको लिखना पड़ता है। ईमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम देता है वो लोग, उसके अंदर ही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है वो आपका पैराग्राफ रिकंस्ट्रक्शन है, उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाँ उसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइम देता है, उसके बाद आपको वो खुद के वर्ड पे लिखना पड़ता है, वो रिकंस्ट्रक्ट करके लिखना पड़ता है पैरा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, जो मुझे भी आया था, मैंने फिर प्रैक्टिस कर करके उसको फिर परफेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया आप काफ़ी बार रिजेक्ट हुए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं शुभदीप, तो हम दोबारा टेस्ट को कब दे सकते हैं? देखिए, आप एक बार अब रिजेक्ट होते हैं ना, तो आपको मेल आ जाता है कि आपका कूलिंग पीरियड होता है, VCS होता है ना, वर्चुअल कस्टमर सर्विस, उसके लिए आपका शायद 3 मंथ्स का रहता है, और ये ड्रॉन ये सब के लिए 6 मंथ का कूलिंग पीरियड रहता है। ओके, ठीक है तो मतलब मैंने ये ड्रॉन का सिर्फ एक ही बार दिया था, मैंने पिछला दूसरा मीन्स जो पोस्ट रहता है ना उसके लिए मैंने फिलअप किया था, तो मैं रिजेक्ट हुआ था, तब मुझे पता नहीं था उतना, मैंने फ्लो में ऐसे ही दे दिया था, तो कुछ उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था, इसीलिए मैं रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि रिजेक्ट क्यों हुआ, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, इसको पर थोड़ा फोकस किया, तो ये ऐसा ऐसा होता है, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस देखा मीन्स ऐसे क्या होता है नहीं होता है, फिर मैंने टेस्ट दिया तो ये मेरा हो गया 2 बार। ठीक है डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलो ये असेसमेंट टेस्ट हो गया, और जैसे आपने बताया एक वीडियो राउंड भी जैसे होता है यहाँ पे अपना, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन वाला हो, तो वीडियो राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुभदीप, और इसको कैसे करेक्ट करना है? अच्छा, वीडियो में मेरा पहले मैं ट्रॉन का बताता हूँ, जो पहले हुआ था ट्रॉन का। ट्रॉन का मुझे सबसे पहले मेरे बारे में पूछा गया, वो सबसे पहले इंटरव्यू आपने अपने बारे में बताएगा आपको कि सब कुछ ये है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, सब कुछ आपको बताएगा। बता देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि अपने बारे में बताओ, रिज्यूम है ऐसे करके कुछ पूछता है वो लोग, मीन्स आपके बारे में बताना है। आप बता देने के बाद वो हो जाने के बाद आपको सीनियरियो दे देता है वो एक, कि आप अगर इस स्पेस में रहोगे तो आप क्या करोगे, अगर आप ऐसा सिचुएशन में फंस जाओगे, ऐसा सिचुएशन में रहेगा या आपका काम है तो आप क्या करोगे, वो आपको आइडिया के आपके मीन्स आपको देना है वो जवाब। फिर आप अगर आप गलत बोलोगे तो वो लोग करेक्ट कर देता है, नहीं ये ऐसा नहीं ये है, ठीक है हो जाता है, बट आपको मोस्ट ऑफ द आपको मीन्स बताना पड़ता है, कुछ ठीक से बताना पड़ता है, आउट ऑफ द नहीं बताना है कि जैसे कि कुछ और ही आप बता दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही फ्रेशर है, हम लोग कुछ पता है नहीं काम के बारे में, हम लोग कैसे पता रहेगा क्या करना है, बट फिर भी कुछ आइडिया होता है तो आपको वो शेयर करना रहता है, बस और कुछ नहीं। फिर वो मीन आपके एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, आपने कहाँ तक एजुकेशन की उसके बारे में, और आपने क्यों पढ़ाई नहीं की इसके बारे में, ठीक है हायर स्टडीज़ आपको करना चाहिए था आपने क्यों नहीं किया, आप डायरेक्ट अमेजोन क्यों चूज़ कर रहे हैं आप, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, बस यही ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। ओके, तो एक दो सीनियरियो देंगे वो लोग, ठीक है, आपको अपने बारे में ही पूछेंगे। ठीक है, तो मतलब ये ट्रोन में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं? हाँ हाँ, ये आपको कम से कम ये आपका इंटरव्यू 25 मिनट तक चलता है ये। ओके, हाँ ये 25 मिनट में फिर ओवर हो जाता है। ठीक है, और ये आई गेस सारी कन्वर्सेशन शुभदीप इसमें इंग्लिश में ही होती होगी प्रॉपरली? हाँ प्रॉपर इंग्लिश में, कोई हिंदी कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन वाली प्रोफाइल की, तो वहाँ पे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ यार, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था मेरा, ये सेम ऐसे ही हर इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, वो आप पहले आपको अपने बारे में ही बताएंगे, ठीक है, फिर आपको सिनेरियो दे देते हैं कि अगर आपका ये कुछ हो गया ऐसे कुछ हो गया तो आप कैसे डील करोगे इसके साथ, यही सब आपको सिनेरियो मिलता है। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो काम के बारे में आप जानो जिसके लिए आप एप्लीकेशन भरा है। ठीक है,
हाँ वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है जेडी के ऊपर में कि आप देख लो उसको अच्छे से कि वो काम क्या है, आप जानते हो, आप अवेयर हो कि नहीं। वो लोग वो चेक करते हैं कि आप काम के बारे में अवेयर हो कि नहीं, या फिर आपने रैंडमली ऐसे ही भर दिया ये फॉर्म और आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है। आपको जानना पड़ेगा काम आपका क्या है, बस बेसिकली वो लोग यही चेक करते हैं आप अवेयर है कि नहीं इस पोस्ट के बारे में। ठीक है ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हो कि काम के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसी से वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ वो आपको उसी से ही पूछते हैं वो लोग सिनेरियो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे शुभदीप ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेशर जो शायद फर्स्ट टाइम अमेज़न का अप्लाई करेंगे और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं आप उनको कोई मास्टर टिप्स जरूर दो कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें वो करें जिससे कि उनका असेसमेंट टेस्ट भी क्लियर हो जाए और उनका वीडियो राउंड भी क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दीजिए उनको। हाँ मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि हेडफोन एक ज़रूरी है, अच्छा था आप सुन पाए, और ये माइक होता है ना आपका वो भी अच्छा होना चाहिए कि वहाँ तक बात अच्छे से पहुँचे, क्योंकि वॉइस परसेंट में बहुत नेसेसरी यही है। राइट क्योंकि हाँ नॉइस कैंसिलेशन अगर नहीं होता है ना तो वहाँ पे बहुत हेजी आवाज़ जाता है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो AI बेस्ड होता है, तो आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपका कैसा हुआ कि नहीं हुआ, बट आप लास्ट में जब आता है आपको रिग्रेट मेल आ जाता है इसी के वजह से, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैंने उसी से दिया था टेस्ट, तो काफ़ी बार मैं फेल हो चुका हूँ। इसी के लिए आपको एक अच्छा एयरफोन चाहिए अमेज़न के टेस्ट देने के लिए, मैं सबसे पहला बात यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, कि जिसके लिए मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। फिर आपको टाइपिंग स्पीड भी अच्छा चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो पैराग्राफ रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें थोड़ा लिखना पड़ता है अच्छे से, आपको टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए थोड़ा। ओके, क्योंकि हर एक राउंड एलिमिनेशन होता है, आप अगर एक राउंड आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो दूसरे राउंड आप जा ही नहीं पाओगे। राइट, वो फट से आपको मेल आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। राइट, हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बस आपका वही टेस्ट खत्म, सब कुछ खत्म, फिर आपसे आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। ओके, यही सब। हाँ ये मैं आप लोग ध्यान दीजिए इसी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। फाइन फाइन फाइन, ठीक। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ शुभदीप आपसे कि काफ़ी सारे मेरे पास लोगों की कमेंट्स रहते हैं रिगार्डिंग रिज्यूम, मतलब उनको लगता है कि शायद रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ आप रिज्यूम के रिगार्डिंग भी टिप्स जरूर दीजिए कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। देखिए मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा रिज्यूम ऐसा कुछ है नहीं, मेरा जो बेसिक डिटेल्स है जैसे, और मेरा जो एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, बट मेरा कोर्सेज वो जो है टैली GST मैंने वही सभी डाला मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं किया रिज्यूमे पे, जो आपको ऑल ओवर द आपको ट्रू रहना पड़ेगा आपको रिज्यूमे के ऊपर, आपको जो है आपके पास आपको जितना नॉलेज है आपको उतना ही देना है, क्योंकि वो लोग वो चेक करते हैं रिज्यूमे, और आपको वो रिज्यूमे से आपसे क्वेश्चन भी करते हैं। राइट, आपने ये किया आप इसके बारे में बताइए, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन भी करेंगे वो लोग, इसीलिए जो आपका जितना है उतना ही डालिए, क्योंकि आप फ्रेशर है आपके पास उतना नॉलेज है नहीं, इसीलिए आप फ्रेशर में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं हुआ था रिज्यूमे लेकर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पास आपके हाथ में ना उनका रिज्यूमे रहता है। राइट 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 राइट, हाँ उसको सब पता रहता है, और आप जो भी डालिएगा ना उससे आपको क्वेश्चन करेंगे वो लोग। ओके फाइन फाइन, तो मतलब रिज्यूमे में वही चीज़ें मेंशन हो जो एक्चुअली में हमें आती हो, पता हो ना, आती हो आपको पता है उसके बारे में, आपको नॉलेज है। ठीक है डन। और शुभदीप मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म है, अब आप लास्ट में अगर ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं सो यू कैन स्पीक। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ट्राई करते रहिए, हो जाएगा, मेरा भी हो गया तो आपका ज़रूर हो जाएगा, मैं भी ऐसा कुछ नहीं हूँ। हाँ कोशिश करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, यूट्यूब से काफ़ी वीडियोज़ है, आपको बहुत आपको नॉलेज मिलेगा उनसे, बहुत सारा वीडियोज़ है आपको मिल जाएगा नॉलेज, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा उससे, दीजिए आपका नोट्स वोट्स बनाइए उससे आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे आप मीन्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए प्रिपरेशन लीजिए तो हो जाएगा, इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते सबको, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैं इतना जानता हूँ। फाइन 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 फाइन, थैंक यू शुभदीप, आपने इतने अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, स्पेसिफिकली असेसमेंट टेस्ट के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहता है क्योंकि उसी में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। असेसमेंट ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इंटरव्यू उतना कुछ होता नहीं है। राइट, बेसिक आपके बारे में आपको पता होना चाहिए बस, और आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भरे वो पोस्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यही दो चीज़ होता है, आपको उससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा ही नहीं जाता इंटरव्यू में बस। राइट 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 राइट, सो थैंक यू शुभदीप, आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपने टाइम में से टाइम निकाल के आप यहाँ पे इस चैनल पे आए, सो मेरी भी यही विशेष आपकी जॉब ऐसे अच्छे अच्छे चले और आप अपने करियर में बहुत सारा ग्रो करें, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग शुभदीप, थैंक यू सो मच आकाश।
तो दोस्तों ये थे अपने साथ शुभदीप, जिन्होंने कि अमेजोन के दो दो इंटरव्यू क्रैक किया है, ट्रोन एसोसिएट का भी और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन का भी। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी यहाँ तक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं समझ में आया होगा आप लोगों को कि असेसमेंट टेस्ट है या वर्ड सेंट है या फिर इंटरव्यू की बात करूँ तो उसको कैसे क्रैक करना है। बाकी दोस्तों स्टिल कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, ऐसी नई नई वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंट्रो एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।